जिन महान लोगों के कारण हिमाचल बना है, आप उनका नाम लेना नहीं चाहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, और जो उसके बाद में इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद के दिनों में जितने भी मुख्यमंत्री, चाहे शांता कुमार आए, चाहे राजा वीरभद्र सिंह जी आए, चाहे धूमल साहब आए, इन सब ने इस हिमाचल को बनाने में योगदान किया, पर एक शब्द आप बजट में नहीं लगा सकते। इतनी संकीर्णता क्यों है? सड़कों के किनारे इतने बड़े बड़े पोस्टर, गरीब हिमाचल के लोगों का खून का प्रभाव देखते लगता कि हमारा खून चूसा हुआ डाला हुआ है। और किसका डाला हुआ है? अमित शाह, जिसने क्या किया हिमाचल के लिए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है, दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाता। भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है। बर्बाद गुलदिस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलदिस्ता का क्या होगा। और किसका डाला हुआ है? अमित शाह, जिसने क्या किया हिमाचल के लिए। अमित शाह ने क्या किया हिमाचल के लिए, उसका पुतला रखा हुआ है। आप बताइए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का छोटा सा पोस्टर तो लगाते हैं, इस किस्म की घटिया हरकतें करेंगे यशवंत सिंह जी? ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का है, ये आज का नहीं बना है, 1966 में ये बना। और जो बायोटेक है, जहाँ से ये वैक्सीन बन रहा है, ये 1966 में बना है। ये दोनों प्राइवेट फर्म्स है, एक पैसा केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, एक जो है कोड़ी का इनका उसमें वो नहीं। और अभी बजट में आपने फिर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया बड़े जोर शोर से। भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशियस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैचू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़, और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं, और साल में 592 करोड़, 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़, और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है, क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का, और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है देश का जो है आज, बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी, जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। अब दादा, अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए, देश बिक रहा है? LIC तैयार है बेचने के लिए, IDBB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं, छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे क्या? है उनका एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री, ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के
उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ, बर्बाद बर्बाद गुलदिस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा। तो ये है, ये हाल है आपके। अब बजट में सुशासन की बात की है, सुशासन की बात की है आपने, और गवर्नर स्पीच में डाला जरूर है, आपने इस बार जो है थोड़ा हल्के में अपने बजट में कहा है, उसमें आपने कहा है सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास के। डायलॉग मारने में तो आपका मुकाबला नहीं है, जुमले की सरकार है, जुमलाबाजी में तो आपका रिकॉर्ड है, और ट्रंप को भी पीछे छोड़ गए। सबका साथ सबका विश्वास, सुशासन की बात है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है। मुझसे पहले साथियों ने भ्रष्टाचार के बहुत सारे विभागों को बताया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, पर सुशासन है कहाँ, ये तो कुशासन से भरा हुआ है। आज किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, वहां सुशासन नहीं है, केवल जो है कुशासन चला हुआ। फिर सबका साथ सबका विश्वास, अब कहाँ है सबका साथ। बजट आप जो है अपने को देते हैं, बजट में चाहे टूरिज्म का हो, चाहे आईपीएच का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे गौशालाओं की बात हो, चाहे स्कूलों की बात है, तो सारा का सारा तो आप अपने आप को देते हैं। तो यहां भी जो है अंधा बांटे रेवड़ी, फिर के अपने को दे। तो बताइए किस तरह से सबका साथ हो रहा है, खाली भाषण बोलने से नहीं होता, उसको आपको बताना भी पड़ेगा कि किस तरह से आप सबका साथ दे रहे हैं। फिर विकास की बात आप नहीं कर रहे, जब आपने पहला बजट पढ़ा बड़े जोर शोर से आपने कहा कि हम विकास पैदा कर रहे हैं, हमने भी माना कि आपने विकास पैदा किया, मैंने उस समय भी कहा कि जो आपने जो विकास पैदा किया है ये अपंग है, कुपोषित है, ये जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है। और आज 4 साल हो रहा है, वो आपका विकास बेचारा रैंक नहीं पा रहा है, चलना तो छोड़ो अभी रैंक भी नहीं पा रहा है, इसलिए आपने अब छोड़ दिया है विकास के बारे में बात करना। अब वेंटिलेटर लाया हुआ है आपने, ऑक्सीजन है नहीं, वेंटिलेटर चलता नहीं, विकास बेचारा अधमरा पड़ा हुआ है। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि आपने अंतिम यात्रा तैयार कर दी उसकी, बढ़िया है जल्दी से अंतिम यात्रा करिए, ले जाइए कहीं उसको किसी बढ़िया शमशान में, जो भी करना चाहे दफनाना है, चाहे उसको अग्नि में देना है, दे दीजिए, क्योंकि हम आने वाले हैं बढ़िया विकास लेकर, जो शुरू से दौड़ेगा, जो तेजी से दौड़ेगा और हिमाचल को जो है आगे पहुंचाएगा। आपने अभी जो है ये जो विकास की बात हुई है, इस विकास को अब आज गोद, ऐसा तो है कि गोद भी ले सकते थे आप, पर आप 4 साल आखिरी साल में कौन आपको अपना विकास देगा गोद लेने के लिए, क्योंकि गोद लेने के लिए भी कानून में बना हुआ है कि उस किस्म के कानून चाहिए जिससे आप गोद ले सकते हैं। तो अब आपका अंतिम यात्रा शुरू हो गया है, बहुत अच्छा है। बार बार आप जनमंच की बात करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब जनमंच केवल लंच मंच रह गया है, मंत्रियों का भी अभिनंदन करने का मंच रह गया है, क्योंकि मंत्रियों को गांव में लोग मिलते नहीं है, तो सरकारी खर्चे पर लंच देकर लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इकट्ठा किया जाता है, और वहां पर जो काम होते हैं, जो वहां पर काम होते हैं, सर्टिफिकेट देना। अब आप बताइए सर्टिफिकेट देने के लिए इतना खर्चा कराते हैं आप, सर्विस गारंटी एक्ट है, उसके अंदर हर डिपार्टमेंट को टाइम फिक्स किया हुआ है कि एक सर्टिफिकेट कितने घंटे में देना है, अगर वो अधिकारी टाइम से नहीं देता है उसको सजा देने का प्रावधान है। आपने जनमंच के द्वारा जो सर्विस गारंटी एक्ट है उसको जो है आपने डाइल्यूट कर दिया है, आप अपने जो है राजनीतिक फायदे के लिए आपने जो है 80 जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई है, और पब्लिक का जो पैसा है लंच में और मंत्रियों के अभिनंदन में खर्च करके आप हिमाचल के गरीब लोगों के साथ जो है एक किस्म का बदला मजाक जो है आप करने जा रहे हैं। और ये जनमंच बेमानी है, ये जनमंच जो है आपका प्रोपेगेंडा मंच है, और योजना विभाग नाम बदलने में तो आप माहिर है, मुझे तो डर लगता है जाते जाते कहीं हिमाचल का नाम भी आप ना बदल दे, क्योंकि आपने जाते जाते जो है योजना विभाग का नाम बदल दिया। योजना प्लानिंग करता है, पैसा भी देता है, केंद्र में भी जो है योजना कमीशन को बदलकर प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया, सिर्फ नीतियां बनाते रहेंगे, पैसे का हक तो जो है बांटने का जो पावर था प्लानिंग कमीशन को वो तो मोदी ने छीन लिया। और हिमाचल में भी आप वही करने जा रहे हैं कि प्लानिंग नहीं करना है,
सिर्फ आपने जो है नीतियां बनानी है, बस बड़े बड़े जो है शेख चिल्ली के जो काम करने हैं उसके लिए आप हैं। अब इसमें चाटुकारिता की भी हद हो गई है। यहाँ पर भगवान अवतारित कर दिए, शिव जी अवतारित हो गए हैं, कृष्ण जी अवतारित हो गए हैं, भगवान राम को तो पहले हाईजैक किया हुआ बीजेपी ने। अब ये तीन भगवान एक ही युग में पैदा हो गए, इनकी लड़ाई हो जाएगी आपस में। ये जो है लड़ पड़ेंगे, कंस को नहीं मारेगा। ये जो है राम कृष्ण और जो है शिव जी जो है आपस में तांडव डांस हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं चाटू, मैंने जो है चाटुकारिता के बाजार में मैंने सौदे बदलते देखा है, खरे सिक्कों से कहीं ज्यादा मैंने खोटे सिक्कों को बिकते देखा है। ये है चाटुकारिता। कहां जा रहे हैं आप, कैसे कैसे मतलब काम आप करने जा रहे हैं? फिर स्वर्ण जयंती, बहुत बड़ा आयोजन, जिस महान लोगों ने हमें स्वर्ण जयंती मनाने लायक पहुंचा उनका नाम लेना आप भूल गए? इतने संकीर्ण विचार मत रखे माननीय मुख्यमंत्री जी। जिन महान लोगों के कारण हिमाचल बना है आप उनका नाम लेना नहीं चाहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, और जो उसके बाद में इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद के दिनों में जितने भी मुख्यमंत्री, चाहे शांता कुमार आए, चाहे राजा वीर सिंह जी आए, चाहे धूमल साहब आए, इन सब ने इस हिमाचल को बनाने में योगदान किया, पर एक शब्द आप बजट में नहीं लगा सकते। इतनी संकीर्णता क्यों है? इतना जो है आप छोटी सोच आप क्यों रखते हैं? कुछ मैं ये कहना चाहूंगा, सियासत की रंगत में ना डूबे इतना कि वीर शहादत अपने आए को भी नजरअंदाज करें, तो इतना ज्यादा ना डूबे आप। आपने पोस्टर, करोड़ों रुपए के पोस्टर लगा दिए, आज हिमाचल प्रदेश के सड़कों को आप जो है पक्का नहीं किया, खड्डे नहीं भरे, पर सड़कों के किनारे इतने बड़े बड़े पोस्टर, गरीब हिमाचल के लोगों का खून का हम देखते लगता है कि हमारा खून चूसा हुआ वहां डाला हुआ है। और किसका डाला हुआ है? अमित शाह, जिसने क्या किया हिमाचल के लिए, अमित शाह ने क्या किया हिमाचल के लिए, उसका पोस्टर रखा हुआ है। आप बताइए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का छोटा सा पोस्टर तो लगाते हैं आप, करोड़ों रुपए आप जो है स्वर्ण जयंती के नाम पे फूक रहे हैं, परंतु उन महान नेताओं का नाम लेना आप भूल गए। इतनी बेकदगी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी सोच भी नहीं होनी चाहिए। आपको सोच को जो है बदलने की जरूरत है। अभी वैक्सीन की बात हो रही थी, हर बात में बड़ी बात, कहते हैं कि ये वैक्सीन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया। ये कोई साइंटिस्ट है? जिनका डिग्री तक नहीं है वो कोई साइंटिस्ट बन गए? ये जो वैक्सीन है, 1 करोड़ लोगों को जब लगा तब यशस्वी जी 56 इंच लेके आगे, और फिर वो भी पांडुचेरी की मैडम लाई वहां पर नर्स कि इलेक्शन है, और गमछा पहना आसाम का। इस किस्म की घटिया हरकतें करेंगे यशस्वी जी? ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का है, ये आज का नहीं बना है, 1966 में ये बना। और जो बायोटेक है जहां से ये वैक्सीन बन रहा है, ये 1966 में बना है। ये दोनों प्राइवेट फर्म्स है, एक पैसा केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, एक जो है कोड़ी का इनका उसमें वो नहीं है। आज माननीय सदस्य अब बाइंड अप कर दें। सर 2-3 मिनट और लेता हूँ सर, काफी हो गए, 16 मिनट हो गए। नहीं हो, नहीं सर, अब बजट पे सर, शुरू में अपने आप कहा था इन्होंने कि 5-6 मिनट में बात खत्म ही कर देता सर, करिए, इतने में मैं समाप्ति कर देता। प्लीज बाइंड अप कर दीजिए। आप गाय चलाए रहो, मजे करो, आप गाय चलाओ, आप मजे करो आप। अच्छा सर ये जो बजट है, जो वर्तमान बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये बजट नहीं लगता सर, ये लगता है वसीयत है। वसीयत को कब लिखते हैं? जब मैं जाने के बाद परलोक सिधाऊंगा, ऐसे ऐसे काम कर देना, ये तो वसीयत है सर। ये कह रहे हैं कि मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा, अरे 2000 करोड़ हिमाचल का आप हवाई अड्डे के लिए डाल रहे हैं, या स्कूल ही बन रहे हमारे? अभी एक जवाब आया, अटल आदर्श आवासीय योजना, 3 स्कूल, कितने पैसे? 5-5 करोड़। 5 करोड़ में सर एक बिल्डिंग बनता है, उसको आवासीय बनाना है, उसमें हॉस्टल बनाना है, कम से कम भी 30 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए एक को चलाने के लिए। कब बनेगा वो? जब आप जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे स्कीम जो है सर वसीयत लग रहा है। ये बजट नहीं है, ये किसी इकोनॉमिस्ट के राय से बजट नहीं बनाया है, ये आरएसएस के जो है वो जो चुनाव का जो एक गढ़ होता है वहां बैठ कर ये बनाया गया है। ये हिमाचल को जो है सर
कहीं भी कोई बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं है, बागवानी को आगे करने की बात नहीं है, कृषि को किस तरह से आगे ले जाएंगे। 15 लाख बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप उनकी चिंता नहीं है, आपको चिंता है केवल वोट लेने की चिंता है, बाकी कुछ नहीं है। प्राथमिकताएं आपकी जो है बिल्कुल अलग किस्म की प्राथमिकता है जो आम आदमी के लिए नहीं है। तो सर ज्यादा समय नहीं लेके आखिर में इतना ही कहूंगा, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। धन्यवाद।